छठ पूजा बिहार उत्तर प्रदेश झारखंड का सबसे बड़ा पर्व है। यह सबसे कठिन व्रत में से एक व्रत माना जाता है। इसमें 36 घंटे तक का व्रत रखा जाता है। 4 दिन तक चलने वाला यह महापर्व है। मैंने अपना एक सेकेंड ब्लॉग बना रखा है जिसका नाम है डॉली सीजी ब्लॉग, मेरा सेकेंड चैनल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। आप वहाँ जाकर उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज बताऊँगी छठ पर्व के बारे में कि नहाए खाए के दिन क्या करना है, खरना कैसे होता है। पूरी पूजा वीडियो देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना कुछ देरी करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ का व्रत रखा जाता है। 4 दिनों तक चलता है यह छठ महापर्व। इसमें कठोर नियमों का पालन किया जाता है। 36 घंटे तक यह निर्जला व्रत को माताएँ अपनी संतान की अच्छी आयु, अच्छे करियर, अच्छे भविष्य और स्वास्थ्य के लिए रखती है। छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए होता है। इस दिन जो व्रती होते हैं वो पवित्र नदी, तालाब, सरोवर में नहाकर सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद खरना होता है। खरना के दिन गुड़ की खीर, चुपड़ी, घी, लगी हुई रोटी, ठेकुआ खाया जाता है और इस दिन नमकीन चीज़ों से परहेज किया जाता है। इसके बाद चालू होता है 36 घंटे का निर्जला व्रत। 6 नवंबर को खरना है और 7 नवंबर के दिन छठ पूजा है। कार्तिक माह की षष्ठी तिथि को मुख्य छठ पूजा कहा जाता है। इस दिन शाम के समय महिलाएं नदी तालाब पर जाकर सूर्य को अर्घ देती है और डूबते सूर्य को इस दिन अर्घ दिया जाता है। सप्तमी तिथि को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद इस व्रत को तोड़ा जाता है। यह सबसे कठिन व्रत है। 36 घंटे का ऐसा पहला व्रत है जो निर्जला होता है। इस व्रत में पहले के पहने हुए कपड़े यानी कि उतरे हुए कपड़े को नहीं पहना जाता। इस व्रत में हर चीज़ कोरा लगता है, मतलब जिसका पहले इस्तेमाल नहीं होता है। यह बेहद ही कठिन व्रत होता है। अगर आप इस व्रत को रख रहे हैं तो बड़ों की देखरेख में ही रखें।